नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज ISC पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कविता उद्यमी नर का भावार्थ बताने जा रही हूँ। इसका भावार्थ और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं उद्यमी नर, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद और प्रगतिशीलता से परिपूर्ण रहता है। इनकी कविताओं में क्रांतिकारी भावना रहती है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो चलिए पढ़ते हैं उद्यमी नर। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को सभी सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण किया है, जिसे मनुष्य अपनी मेहनत से ही प्राप्त कर सकता है। जिसका भावार्थ है कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा इस पृथ्वी को सभी सुख समृद्धि और वैभव साधनों से इतना परिपूर्ण किया है, जिसे मनुष्य केवल अपनी मेहनत से ही प्राप्त कर सकता है और उसे प्राप्त करके अपने जीवन को तथा इस धरा को स्वर्ग बना सकता है। इस धरा के गर्भ में इतने संसाधनों से परिपूर्ण हैं, जो नर उद्यमी होते हैं अर्थात परिश्रमी होते हैं, वे केवल भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपने परिश्रम द्वारा उसे अर्जित कर लेते हैं और अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है किसी भाग्य के बल से, सदा हारती है वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पड़ा करते हैं निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का ब्रह्मा ध्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रक्ता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। कवि कहते हैं कि बिना परिश्रम के तो कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। परिश्रमी मनुष्य अपने भाग्य के भरोसे ना बैठकर पहाड़ को चीरकर भी रास्ता बना लेते हैं। उद्यमी नर अपने परिश्रम से भाग्य को भी हरा देते हैं। भाग्यवाद का रोना तो एक तरह से पाप का आवरण है, जो एक शस्त्र के समान है, जिसका उपयोग करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। कवि कहते हैं, अगर किसी भाग्यवादी मनुष्य से ये पूछो कि वो अपने भाग्य के बल पर पृथ्वी में छुपे रत्न को निकलवा सकता है, नहीं, रत्न को निकालने के लिए तो पृथ्वी के धरा को खोदना ही पड़ेगा, वो भी परिश्रम के द्वारा। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके समुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि कहते हैं कि अपने परिश्रम से ही मनुष्य पृथ्वी से अन्न और रतन खोज कर निकालता है, अतः सबसे पहले उस अन्न जल और रत्नों पर अधिकार उस परिश्रमी मनुष्य का ही होता है जिसे वह खोजता है, ना कि उन मनुष्यों का जो भाग्य के भरोसे बैठकर उनसे छीन लेते हैं। कवि कहते हैं, परिश्रमी मनुष्य के आगे प्रकृति भी अपनी हार मान लेती है। कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर जल वर्षा कर अन्न उपजाने का साधन बनाते हैं, किंतु मनुष्य को स्वयं ही हल चलाकर तथा बीज बोकर अन्न उगाना पड़ता है और उसकी फसल पकने तक उसकी रक्षा भी अपने परिश्रम द्वारा करनी पड़ती है, तभी जाकर के उसे खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है। किंतु कुछ मनुष्य जो छल प्रपंचिक द्वारा धन एकत्र करके अपने भाग्य का जोर दिखाते हैं, जो कि मात्र एक छलावा है, जिसे वे दूसरों को नहीं अपितु अपने आप को भी धोखा देते हैं। मनुष्य का भाग्य तो उसकी भुजाओं की शक्ति में है, जिसके द्वारा परिश्रम कर वह आकाश पताल एक कर सकता है। अतएव संदर्भ यही है कि पृथ्वी की धन संपदा पर अधिकार केवल उद्यमी नर का ही है।
है प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उद्यमी नर नामक कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि उद्यम करने वाला अर्थात परिश्रम करने वाला मनुष्य ही संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भाग्यवादी नहीं अर्थात भाग्य पर भरोसा करने वाला नहीं। ईश्वर ने प्रकृति में इतना सारा धन धान्य छिपा कर रखा है, मनुष्य परिश्रम करके उसे प्राप्त कर सकता है और उसे प्राप्त कर अपने जीवन को सुखी बना सकता है। कवि कहते हैं कि परिश्रम के बल पर सभी मनुष्य सुख प्राप्त करें और उसे पृथ्वी को स्वर्ग बना दें। पृथ्वी के आवरण में ईश्वर ने इतने तत्व छिपा कर रखे हैं जिन्हें उद्यमी नर अपने परिश्रम से खोज निकालता है। ब्रह्मा ने भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो तो पर भी मनुष्य अपने भुजबल से उसे प्राप्त कर लेता है। उद्यमी नर के आगे प्रकृति भी झुक जाती है, नहीं झुकती है तो भाग्यवादी मनुष्य के आगे। उद्यमी नर नई नई खोज करते नहीं थकते और जो भाग्यवाद का रोना रोते हैं वो निरुद्यमी नर होते हैं। जिन्हें काम नहीं करना होता वह कह देते हैं कि यह तो हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा था, इसलिए हमें यह प्राप्त ही नहीं हुआ, तो हम इसे प्राप्त करने के लिए कष्ट ही क्यों करें। भाग्यवाद का रोना रोना एक पाप का आवरण है, यानी कि हम उसे उस पाप को अपने भाग्य का नाम देकर छुपा देते हैं। यह वह शस्त्र के समान है जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। जो बलवान है वह अपनी शक्ति के बल पर गरीब लोगों का शोषण करता है। यदि किसी भाग्यवादी से यह पूछे कि यदि भाग्य प्रबल है तो पृथ्वी अपने आप अपने धन धान्य को क्यों नहीं बाहर निकाल कर उनको उगल करके दे देती है, वह इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। यदि कोई मनुष्य पाप करके धन कमा लेता है और दूसरा कोई उस धन को अपने भाग्य का भरोसा देकर भुगतता है तो यह धोखा है। यह धन अल्प समय तक तो वह उपभोग कर सकता है पर फिर नष्ट हो जाता है। नर समाज का एक ही भाग्य है, वह है परिश्रम, और वह परिश्रम रहता है नर की बाहों में, भुजाओं में। परिश्रम के सम्मुख यह पृथ्वी और नभ तल झुक जाते हैं। झुकने का तात्पर्य यह है कि उद्यमी नर हमेशा दूसरों की सहायता और परिश्रम करने के लिए तत्पर रहते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा भाग्यवाद की भर्त्सना कर उद्यम की प्रशंसा की है। यहाँ उद्यम से मतलब है परिश्रम। वह हमें प्रेरणा देते हैं कि हम परिश्रमी बने और अपने परिश्रम के बल पर सुख संपत्ति भोगे, सबकी सहायता करें और सबको समान अवसर दें और पीछे रहने वाले परिश्रमी व्यक्तियों को आगे लाएं। उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है? क्या भाग्य उसका साथ देता है? उसका उत्तर है, उद्यमी नर ही संसार में इच्छित सुख साधनों को भोगने में समर्थ है। ईश्वर ने इस पृथ्वी के अंदर सभी धन धान्य इतनी ज्यादा मात्रा में छिपा कर रख दिए हैं जिसे मनुष्य अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकता है, और परिश्रमी मनुष्य उसे प्राप्त करके अपने जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपने जीवन को उसके द्वारा सुगत बनाते हैं। कहते हैं कि संसार के सभी पदार्थ कर्मशील मनुष्य के लिए हैं, कर्महीन के लिए नहीं। अर्थात बिना परिश्रम के मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ने जो भी बहुमूल्य वस्तुएं या जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन पृथ्वी के अंदर छिपा कर रखे हैं वे सब मनुष्य के हितार्थ हैं, जिसे मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर उन्हें प्राप्त कर लेता है। अगर उसे पृथ्वी पर अन्न उगाना है तो ईश्वर ने पृथ्वी पर जल वर्षा करके अन्न उत्पन्न करने का साधन बना दिया है। सूरज अपनी रोशनी देता है लेकिन मनुष्य को हल चलाकर ही बीज बोना पड़ता है और उगती फसल की रक्षा करनी पड़ती है, तभी उसे खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है। कवि के अनुसार परिश्रम के सम्मुख पृथ्वी नभ तल सभी झुके रहते हैं। वे परिश्रम करने वाले का विरोध नहीं करते बल्कि सहयोग करते हैं। भाग्य के भरोसे रहकर मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने भी मनुष्य के भाग्य में ऐसा कुछ लिखा हो कि उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, इस बात का तो प्रमाण हमें कहीं नहीं मिलता। कर्मवीर ना तो भाग्य भरोसे रहता है और ना ही भाग्य के भरोसे रहकर वह पश्चाताप करता है। प्रकृति कभी भाग्य के सामने झुकती नहीं है। भाग्य के भरोसे रहना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मा से अपने भाग्य में सुख लिखाकर नहीं लाया, ऐसा नहीं है। भाग्य के भरोसे आलसी ही रहते हैं। यदि भाग्य प्रबल हो तो मनुष्य को पृथ्वी से संचित कोष आप ही प्राप्त हो जाए, बैठे बैठे अन्न उग जाएगा और हम उसे खा भी लेंगे।
किंतु ऐसा नहीं होता। अन्न खाने के लिए हमें अन्न उगाना पड़ता है और अन्न उगाने के लिए हमें खेत में मेहनत करनी पड़ती है। कवि भाग्यवादी नहीं है, वह तो उद्यमी नर की प्रशंसा करते हैं। यहाँ एक प्रश्न उन्होंने उठाया है कि किसी का कमाया हुआ धन कोई और भोग रहा है। कवि का कहना है कि यह एक पाप है, मात्र छलावा है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है। इस कविता में कवि ने यही प्रेरणा दी है कि भाग्य के भरोसे ना रह करके उद्यमी नर अर्थात मनुष्य को कर्मशील और परिश्रमी बनना चाहिए। इससे संबंधित अर्थ प्रश्न उत्तर आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।